नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नागपंचमी की पौराणिक और पवित्र कथा, जब नाग ने भाई बनकर की बहन की रक्षा। दोस्तों, प्राचीन काल में एक सेठ जी के सात पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की और विदुषी और सुशील थी, किंतु उसके भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लिपने को मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी दलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहाँ एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा कि मत मारो इसे, ये बेचारा निरपराध है। ये सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक और जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने उससे कहा कि हम अभी लौट कर आते, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। दूसरे दिन यह बात उसको याद आई तो वो सबको साथ लेकर वहाँ पहुँची, तो सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली कि सर्प भैया नमस्कार। तो सर्प ने कहा कि तू भैया कह चुकी है, इसीलिए मैं तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो मैं झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वो बोली कि भैया मुझसे भूल हो गई, इससे उसकी मैं क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा आज से तू मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई, तुझे जो मांगना है मांग ले। तो वो बोली कि भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ कि तू आज से मेरा भैया बन गया। कुछ दिन बीत गए, वह सर्प मनुष्य का रूप धारण करके उसके घर आया और कहा कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं था। तो वह बोला कि मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में कहा कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना मत, जहाँ चलने में कठिनाई होगी तू मेरी पूँछ पकड़ लेना। उसके कहे अनुसार ही वो किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने कहा कि मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तो अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना है। उसे इस बात का ध्यान न रहा और उसने गर्म दूध ही पिला दिया। उससे उनका मुंह बुरी तरह से जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा धन, सोना चांदी, हीरा जवाहरात, वस्त्र आभूषण देकर उसके घर पहुँचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा कि भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो उसे वो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा कि इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा और मणियों का एक बहुत ही अद्भुत और सुंदर हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर सीधे उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेगी है, उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांग कर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की कि भैया रानी ने हार छीन लिया, अगर तुम ऐसा करो कि वह जो हार उसके गले में रहे तब तक तो वो सर्प बन जाए और जब मुझे लौटा दे तो हीरों और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया, जैसे रानी ने हार पहना वैसे वो सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेज दो। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा। वह स्वयं छोटी बहू को लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा कि तुमने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली कि राजन धृष्टता क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरा मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने सर्प बना हार उसे देकर कहा कि अभी इसको पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने वैसे ही किया, जैसे ही उसने पहना वैसे वो हीरो मणियों का बन गया। यह देखकर राजा को इसकी बात समझ का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी बहू अपने हार और इन सहित घर
लौट आई और उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी के पास कहीं से धन आया है और यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा कि ठीक ठीक बता दे कि यह धन तुझे कौन देता है। वह सर्प देवता को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा कि यदि मेरी धर्म की बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं तुझे खा लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती है। तो दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।